श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। आज के इस वीडियो में हम आपको उपाय बताने वाले हैं कि अगर आपका बच्चा छोटा है, जैसे 2-3 साल का हो गया है, 4 साल का हो गया है या 5 साल का हो गया है, लेकिन जो है अभी तक वो बोलता नहीं है, या फिर अगर बोलता भी है बहुत कम बोलता है, हकलाता है या फिर तोतला बोलता है, तो उसके लिए जो है पूज्य गुरु जी ने हमें एक बहुत ही सुंदर और सरल उपाय बताया है। इस उपाय को करने से आपका जो बच्चा है वो पूरी तरह से साफ और स्वस्थ, जो स्पष्ट है वो बोलने लगेगा, उसकी वाणी जो है वो बहुत ही क्लियर हो जाएगी, वो बच्चा बोलने लगेगा। तो इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आपका बच्चा जैसे छोटा है, अभी जो है 2-3 साल का है, कई बच्चे होते हैं आराम, जो नॉर्मल बच्चे बोलते हैं 2 साल के बच्चे बोलने लग जाते हैं, नहीं तो 3 साल का बच्चा जो है बोलने लग जाता है। लेकिन अगर 3 साल के बाद भी आपका बच्चा जो है वो बोलता नहीं है, जैसे माँ पापा नहीं बोलता है, तो उसके लिए जो है थोड़ी परेशानी होने लगती है, हमें चिंता सताने लगती है। तो हम जो है इधर उधर कुछ ना कुछ उपाय करते हैं या डॉक्टर की सलाह लेते हैं। आजकल जो मोस्टली बच्चों में ये जो प्रॉब्लम है वो देखी ही जा रही है, जिसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। बच्चे जो हैं वो 24 घंटे मोबाइल पर लगे रहते हैं। अगर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको भी उसकी माँ जो है मोबाइल दे देती है, तो बच्चा चुप कर जाता है। तो इससे जो है बच्चे का पूरा ध्यान जब मोबाइल पर रहेगा और कोई एक्टिविटी अगर नहीं करेगा तो बच्चे को बोलने में भी परेशानी होती है। इसलिए बच्चे को पूरा समय जो है वो देना चाहिए, उसके साथ खुद हमें कोशिश करते रहना चाहिए उसे बुलाने की। लेकिन इन सभी चीज़ों के बावजूद भी अगर आपका बच्चा जो है वो बोल नहीं रहा है, तो उसके लिए आपने क्या करना है, आपने लेना है एक गणेश वृद्धि शंख। ये आपको बड़ी आसानी से पूजा पाठ की जहाँ सामग्री मिलती है वहाँ से आपको मिल जाएगा, या किसी बड़ी जो है शॉप पर जाइए जहाँ से हमें शंख या फिर कोई और पूजा सामग्री हमें मिलती है, तो वहाँ से आपको आसानी से मिल जाएगा। गणेश वृत्ति शंख ही लेना है। शंख कई तरह के होते हैं, कोई और शंख नहीं लेना है, केवल गणेश वृत्ति शंख लीजिए। उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने जो है पानी, ये जो जगह है ये यहाँ पर हम जो है पानी डाल सकते हैं, तो इस जगह पर हमने क्या करना है, पानी डाल देना है रात के समय। इसको आपने जो रात के समय पानी डालकर आप इसे रख दें। उसके बाद आपने क्या करना है, सुबह जैसे आपका बच्चा उठता है, उठने के बाद आपने सबसे पहले उसे जो और कुछ खाने के लिए या पीने के लिए नहीं देना है, सुबह उठते ही सबसे पहले आपने इस गणेश वृत्ति शंख का जो जल हमने रात को डाला था वो जल आपने निकाल कर बच्चे को आपने 2-2 चम्मच 3-3 चम्मच जैसे वो पीना चाहे वो आपने उसे पूरा दिन पिलाना है। ऐसे ही रात के समय फिर पानी डालकर रख देना है और सुबह के समय दोबारा से पिलाना है। ऐसा आप जो है लगातार करना शुरू करें, आप देखेंगे कुछ ही दिनों में आपका जो बच्चा है वो उसकी वाणी में सुधार होने लगेगा, बच्चा जो है वो बोलने लगेगा। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, इसमें जो है आपका ज़्यादा खर्चा भी नहीं होगा और जो है इसका कोई बच्चे को नुकसान भी नहीं है, क्योंकि गणेश वृत्ति शंख जो है वो हमारे हिंदू शास्त्रों में भी बहुत शुभ माना गया है और इसके काफ़ी प्रयोग जो है हमारे हिंदू शास्त्रों में किए जाते हैं। तो आप भी इस उपाय का अवश्य लाभ उठाइए और इसका जो है आप अपने बच्चे को जल पिलाना शुरू करिए, आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। तो ऐसे और भी उपाय जानने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय महादेव, जय महाकाल।